जी हम अब चल पड़े हैं दूसरी जगह, क्योंकि जो श्रीनगर हाईवे है वो पूरा बंद है। तुम्हारा सूरज के उसमें दिख नहीं रहा कुछ भी। हाँ अब ठीक है। हाँ हम जा रहे हैं अभी पटनी टॉप की तरफ। वो हम श्रीनगर जा रहे थे पर श्रीनगर की जगह हम पटनी टॉप जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि श्रीनगर हाईवे जो है पूरा, वो बता रहे हैं कि पूरा वो टूट गया है, दो हिस्सों में फट गया नीचे। ऐसे डबल रोड था तो वो बीच में से फट गया, तो उसकी वजह से वो बंद हो गया और अब वो खुलने के आसार आज रात तक तो नहीं है, मतलब कल तक ही वो दोबारा बन पाएगा। पूरी तरह से ख़त्म हो गया रोड, तो इसी वजह से हम अब पटनी टॉप के लिए जा रहे हैं ताकि हमें कोई कैंपिंग लोकेशन मिल जाए, हम इधर कैंप कर सकें। तो आज हम पटनी टॉप में कोई कैंपिंग लोकेशन ढूंढ के वहाँ कैंपिंग करेंगे। भाई जो हमारा प्लान था वो अब देख लो, कभी भी जो है पहाड़ों में आगे ना प्लान चेंज हो जाते हैं और वो हमारे हाथ में नहीं रहता, सब काफ़ी कुछ डिपेंड करता है रोड कंडीशन, वेदर, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स रहते हैं जिनकी वजह से हमें अपने प्लान चेंज करने पड़ते हैं। आज जो प्लान चेंज हुआ है वो रोड की वजह से, अब रोड पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है अब इंजॉय करते हैं, आज वहाँ की नहीं तो इधर की इंजॉय करने आए हैं, कैंपिंग करने आए हैं, इधर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बने रहिए वीडियो में, अब आपको लेके चल रहे हैं नत्था टॉप, दिखाते हैं आपको आज नत्था टॉप में हमें क्या मिलने वाला है। शायद बर्फ़ वहाँ भी मिल जाए इसमें, क्योंकि पटनी टॉप नत्था टॉप इधर स्नोफॉल तो होगी, जहाँ तक है आइडिया कि स्नोफॉल मिल जाएगी, फिर भी देखते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओए होए क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ से भाई, सही में। ऊपर बादल हो रहे हैं और ये देखिए ऊपर बादलों का व्यू जबरदस्त। ये इधर रोप वे चल रहा है, दिखाते हैं आपको, ये रोप वे है। पर बर्फ़ के तो चांस इधर भी, हम पटनी टॉप लगभग पहुंच चुके हैं, 1.5 किलोमीटर यहाँ से पटनी टॉप है, लेकिन बर्फ़ के चांस तो यहाँ भी नहीं है। ये हम अभी खड़े हैं, ये यहाँ पे एक चला जाता है मेन चौक पटनी टॉप, JKTDC कॉम्प्लेक्स और ये सानासार, और इधर स्काई व्यू रोपवे, एंसेंट नाग टेंपल, ओके पटोरा चौक। ठीक है ये अभी देखते हैं क्या रहता है, कहाँ पे हमें कैंपसाइट मिलती है, एक से बात अभी चल रही है, अगर रहा सब कुछ सही तो वहाँ पे हम कैंप कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं थोड़ा आगे, ये देखिए टॉप में भी कहीं पे भी ऊपर भी बर्फ़ के चांस दिख नहीं रहे हैं, फिर भी चलो चलते हैं आगे देखते हैं। पटनी टॉप के पास हम रुके थे, यहाँ एक लोकेशन तो है बट अभी इसका देखना पड़ेगा किसकी है क्या है। और इधर देखिए व्यू, ये पूरे जो है स्नो पीक्स नज़र आ रहे हैं यहाँ से, ये पूरे कैमरे में तो इतने दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक तो अभी दिन ढल रहा है। ये देखिए सामने पूरे ये स्नो पीक्स हैं, और कितना अच्छा व्यू आ रहा है आपको दिखाते हैं। इधर यहाँ पे एक टी स्टॉल भी है, वाह। आज क्या जबरदस्त व्यू आ रहे हैं। और यहाँ पे दिखा एक जंगली जानवर, उसी को शूट करने जा रहा हूँ, वो भागे ना बस देखते ही। भाई छुप गया,
छुप गया हो तो वो था रकून। रकून नहीं होता वो दिखाते हैं, वो लंबी सी पूंछ वाला हो वो था। वो पीछे रूपाशी को भी दिखा था, अब यहाँ से माला को दिखा यहाँ से भागता हूँ। हाँ मोटी सी लंबी सी पूंछ वाला, छोटा सा होता है। नहीं नहीं हाँ चला गया होगा। मुझे गाड़ियाँ तो हमारी लग गई है। यह है एट शेरपा एडवेंचर्स। तो यहाँ पे गाड़ियाँ हमारी लग गई है। यहाँ पे हमारा था कि टेंट खोलेंगे, पर आते आते रास्ते में एक थोड़ा सा दिक्कत हो गई। बेटे की तबीयत हो गई है ख़राब, उसको हाई फीवर हो गया, तो इस वजह से हम टेंट ना लगा के, ये देखिए इनका हमने स्विस कॉटेज रूम ले लिया इस वजह से, बेटे की तबीयत ख़राब होने की वजह से। हुआ कम, अब कम हुआ है थोड़ा, दवाई दी है इसको तो अच्छी दवाई है, जल्दी ठीक कर देती है ना। हाँ तो आज इसीलिए आप रूम में सो, ताकि ठंड ना लगे, ठीक है। आज रूम में सोएंगे। खाना है अभी मंगाते हैं। हाँ तो भाई आज खाने का भी गाड़ी में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि फिर सारा अगर सिस्टम खोलेंगे तो फिर टाइम बहुत लगेगा। हम सोच रहे हैं यहाँ से सुबह जल्दी निकलने की, कि जल्दी से रेडी होके यहाँ से निकलेंगे, फिर आगे कोई कैंप साइट देखेंगे। जैसा भी सिचुएशन, अभी न्यूज़ अभी मिली है कि टनल की जो है साइड वॉल जो है वो कोलैप्स हुई है। टनल की साइड वॉल कोलैप्स होने की वजह से जो है वो हाईवे बंद हो गया है श्रीनगर के लिए। अब वो कब खुलता है? हाँ ये अच्छा हुआ कि हम वो जाम के बिल्कुल ऐसे एज पे थे जहाँ से एक रास्ता पटनीटॉप की तरफ निकल जाता था, एक सीधा वहाँ तक जाम आ चुका था। तो वो हमारे लिए चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम आगे थोड़ा और आगे निकल जाते तो हम फंस गए थे फिर आज, फिर हम निकल नहीं पाते उस जाम से, वहीं हमें रात गुजारनी पड़ती, जो कि इस कंडीशन में तो और भी हॉरेबल हो जाता कि तबीयत जब बच्चे की ख़राब हो तो उस कंडीशन में, तो फिर ये बहुत दिक्कत करता है। चलो अच्छा हुआ अब आज कम से कम थोड़ा सा इसको रिलैक्स मिल जाएगा, तो आगे के 8-9 दिन आराम से कैंपिंग कर पाएंगे। क्यों भाई? हमें देखना था आज स्नो देखना था, बट स्नो नहीं दिखी, हल्की फुल्की यहाँ पे पड़ी है ऊपर टॉप में। नत्था टॉप में भी बिल्कुल स्नो नहीं है, पटनी टॉप नत्था टॉप कहीं पे भी स्नो नहीं है बिल्कुल भी, पीक्स पे भी। बस हल्की सी नत्था टॉप के ऊपर टॉप पे बिल्कुल जाके तो वो हल्की सी पड़ी है वहाँ पे, जो हो जाती है बस बची जहाँ पे सनलाइट कम जाती है वो पड़ी है। अब देखते हैं, अभी खाना भी ऑर्डर करते हैं। क्या हुआ बेटा जी? इसका मुंह ठंडा लग रहा है, रुपाशी बंद कर लेना ये। कब तो रखा है भाई? ये अंदर करके बाल, ये भी बंद हो जाएगा। कौन कौन चुभते हैं तुम बाल अपने को लेके? अंदर करिए नीचे। क्या खाना मेरे बेटे को? मैगी। वो तबीयत खराब है तो चलो खा ले, हल्की सी खा लेना। जितनी आइसक्रीम देते हो उतनी मैगी, ये क्या फंडा है भाई? ठीक है ठीक है, चलो हम देखते हैं क्या है। क्या खेलना है आपको बाहर? अभी अभी बेटा बाहर मत खेलो, या देख लो जैसा भी आपको लगता है। हाँ थोड़ा ठीक है, थोड़ा घूम लो, थोड़ा यहाँ पे घूम लो, कोई वो नहीं है। हाँ यहाँ पे घूम लो थोड़ा, अगर यहीं पे देखना है तो यहाँ पे बैठ के देख, जैसा भी है। सुबह यहाँ के सुबह और भी दिखाएंगे, हमें बहुत सुंदर लगा था ये यहाँ पे जो ग्राउंड वगैरह, इसीलिए हम यहाँ पे आए थे। जो इन्होंने वीडियोस दिखाई थी हमें, भेजे थे फोटोग्राफ्स, वो सुबह में देखने को मिलेंगे। अभी तो क्योंकि अंधेरा है, बस ये यहाँ पे इनकी एक्टिविटीज़ हैं। हाँ ठीक है, ज़्यादा ठंड नहीं है। ये इधर दूसरा रूम, आज दोनों ने अलग अलग रूम ले लिए, टेंट नहीं लगाए हैं। हाँ जी ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਮ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਸ ਲੈਸ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਬੈਠੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਬਣਵਾਈਏ। ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ ਫੁਲਕਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਾਲ ਲੈ ਲਿਓ।
कोई दाल, कोई दाल, कोई मस्टर्ड दी, कोई सारी हल्की दाल है ना। चलो पूछ लेते हैं की है। चलो भाई जी हल्की दाल ले ले भाई। पाया दी पानी कहां से आया? पानी नीचे से आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग जी। तो हो गई एक और सुबह और आज उठे हैं हम यहाँ पे अट शेरपा कैंप साइट में। अच्छी है पर ठंड बहुत थी यहाँ पे यार, रात को ठंड बहुत लगी है इनके टेंट में भी। आपको लगी? सही में बहुत ज़्यादा ही ठंडा था कुछ। मैं तो वो हीट पैच भी लगाया था तब भी, मैं क्या यार ठंड लगी है। और यहाँ देखो हम आए थे, पेड़ ने देखो कैसे एक शेल्टर सा बनाया हुआ है जड़ों से अपनी। पानी का रास्ता बना हुआ है इसके नीचे से शायद, या तो वो ही है पानी ज़्यादा आता होगा तब ये कट जाती होंगी, मिट्टी कट के ये जड़े रह गई हैं ऊपर उसी वजह से। देखिए पाइन ट्रीज लंबे लंबे एकदम सीधे, और अभी इसी के साथ में है यहाँ पे लेक और उसके आगे है गोल्फ कोर्स, तो वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। और बच्चे भी उठ गए हैं, वो देखो निहित आ गया बाहर। यस आराम से भागो मत, हाँ आराम से आओ, वेरी गुड। कित है क्या धनिया? नहीं धनिया नहीं है, है कबाड़ा है। हाँ हाँ धनिया कित है इधर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तक कर ले पाई है, सबको गुड मॉर्निंग कर दे गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हुआ, क्यों गुस्से है भाई, गुस्सा आ रहा क्या हुआ? ओए भाई, ओए भाई, चलो भाई से मनाते हैं, पहले देखते हैं क्या हुआ इसको। बैठ चुके हैं सारे, गाड़ी पैक हो चुकी है, हाँ अब हम बर्फ के पहाड़ की तरफ जाएंगे अगर टनल खुली मिली। ठीक है हाँ, होप टनल खुली मिले क्योंकि उसका जो है साइड वॉल कोलैप्स हो गई थी कल, इसलिए आज हमें यार कल रुकना पड़ा था रात यहाँ। अब चल के देखते हैं, तो चलते हैं वापस। यहाँ पे थोड़ी सी स्नो दिख रही है बस उस पीक पे, ये देखो ये इस पीक पे बस, नहीं तो स्नो ही नहीं है, वो भी हल्के से धब्बे से दिख रहे हैं बस। इस बार स्नो बहुत कम पड़ी है कह रहे हैं। चलो देखते हैं आगे जाके क्या स्नो मिलती है हमें, कैसी मिलती है।